नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर पालिका दीपका के एल्डरमैन अफजल अली ने SECL प्रबंधन को दिया जगाने का प्रयास। दीपका कॉलोनी मुख्य मार्ग सहित दो क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत। दीपका क्षेत्र के दिनांक 26 सितंबर 2023 को मुख्य महाप्रबंधक सिविल सुरेश कुमार एवं अग्रवाल साहब व वहीद सिद्दीकी के द्वारा एल्डरमैन अफजल अली के दिए गए लेटर के द्वारा दीपका चौक से कॉलोनी घुसने के मुख्य मार्ग पर अधिकारियों का अवगमन हुआ एवं स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें अफजल अली एवं उनके सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा SECL के अधिकारियों को ये अवगत कराया गया कि समस्या तो अत्यंत जटिल है। कॉलोनी से दीपका चौक में लोगों का आना जाना 24 घंटे लगा रहता है, वहीं हॉस्पिटल और हाट बाजार के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है एवं लोहे के गेट को निकालकर दो चक्का वाहन के लिए सुगम रास्ता बनाया जाए, जिससे आम जन मानस को आने जाने की वजह से जो समस्या हो रही है उससे निजात मिले। अफजल अली, नगर पालिका परिषद एल्डरमैन। विगत 4 दिन पहले पत्र के माध्यम से मैंने GM सिविल SECL प्रबंधन गेवरा को अवगत कराया था कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है उसको सुधारने के बाबत में। तो आज विगत चार दिन बाद साहब ने और प्रति रूप स्थान कर उन्होंने और सब हम जन मानस समस्या को अवगत कराए हैं और बताए हैं उनको कि आने जाने की सुगम स्थिति को सुधार कर इस रोड को पुनः चालू किया जाए। इस कड़ी में साहब का आश्वासन आया है कि जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ही इस जो गड्ढे हैं उसमें मिट्टी डालकर और जला हुआ जो कोयला आता है जिसकी राख वो डालकर इस रोड को बनाया जाएगा। उसके बाद दो चक्के वाहन के लिए आने जाने की व्यवस्था को सुगम किया जाएगा, ये साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है। यहाँ के एक जनमानस आज गौरापस की जो स्थिति है, हमारे एल्डरमैन अफजल जी के द्वारा आए यहाँ ये बोला गया कि पहले हम इसका समतलीकरण करेंगे, उसके बाद जो दो पहिया वाहनों को ये बैरियर लगने से जो रास्ता दिक्कत हुई है आने जाने में उसको फिर देखा जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि सिर्फ दो पहिया ही एक जाने के लिए एक आने के लिए ही हो, कार वार का कोई प्रवेश निषेध है। लेकिन सर्वप्रथम ये जो गड्ढे हैं, ये जो ट्रक से बड़े बड़े गड्ढे हो गए उसको समतलीकरण किया जाएगा, अच्छे से बनाया जाएगा, उसके बाद ही जब ये पूरा संतुष्टिपूर्ण काम होगा उसके बाद ही जो दो पहिया वाहनों के लिए जो कॉलोनी से रास्ता बना है स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, सभी जगह जाने के लिए उसको बनाया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।